नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और मैं स्वागत करता हूं आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं शलजम की सब्जी। ये ड्राई सब्जी है तो आप इसे ऐसा साइड डिश चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो शलजम ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, साउथ में मैंने बहुत कम देखा है। तो जिन लोगों को शलजम क्या होता है नहीं मालूम, चलिए मैंने शलजम दिखा देता हूँ। तो ये नीचे के साइड में व्हाइटिश होता है और ऊपर के साइड थोड़ा पिंकिश होता है। व्हाइटिश इसलिए क्योंकि नीचे का भाग वो जमीन के अंदर होता है और उसमें सनलाइट नहीं पहुंचती है, इसलिए वो व्हाइट रह जाता है। और ऊपर का भाग जहाँ सनलाइट पहुंचता है वो पिंक रहता है। तो अब आप लोगों को मालूम चल गया कि शलजम होता क्या है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं शलजम की सब्जी। शलजम की सब्जी बनाने के लिए पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे, फिर उसमें डालेंगे सरसों का तेल। जब तेल गरम हो जाए उसमें ऐड करेंगे जीरा, फिर हम डालेंगे दो कटे हुए हरी मिर्च, कटे हुए लहसुन, अदरक। ये सब डालने के बाद हम अच्छी तरह से स्टिर कर लेंगे। फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ते, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए शलगम। हमने पहले ही छील करके साफ करके काट के रख लिया है। अगर शलगम फ्रेश है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हल्का सा हिला लेंगे ताकि तेल इसमें अच्छी तरह कोट हो जाए। अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। ये सारे मसाले डालने के बाद हम फिर से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसे ढक करके 10 मिनट तक पकने देंगे। तो हमारी शलजम की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आप ये ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।